फेमस टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं मंजरी और पापा मनीष का एक दूसरे से आमना सामना। वेल, हम आपको बता ही चुके हैं सीरियल की कहानी जेनरेशन लीप के साथ आगे बढ़ चुकी है और इस जेनरेशन लीप के बाद होगा सामना पापा मनीष का मंजरी माँ से। वेल, कुछ किरदार हैं जो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी से पूरी तरह गायब हो चुके हैं, लेकिन कुछ पुराने चेहरे हैं जो आगे आने वाले एपिसोड में भी आपको नजर आते रहेंगे। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे लीप के बाद मंजरी और पापा मनीष का होगा सामना। और यहाँ मंजरी जो कुछ भी हुआ है सालों पहले उसके लिए पापा मनीष को जिम्मेदार ठहराएगी। वो पापा मनीष से कहेगी कि अगर आपने अपनी पत्नी स्वर्णा के सामने बेबस लाचार ना होकर अक्षरा को यूं जिम्मेदार ना ठहराया होता तो आज अक्षरा कहीं जाती ही नहीं, और अगर अक्षरा कहीं नहीं जाती तो मेरा बेटा अभिमन्यु भी कहीं नहीं जाता। आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा जहां पर रोती बिलकती मंजरी यहां पापा मनीष से कंप्लेन करेगी। वो कहेगी कि आप हो गए अपनी पत्नी के सामने मजबूर, आपकी वजह से अक्षरा दूर गई, अक्षरा की वजह से मेरा बेटा दूर गया और आज नतीजा निकला ये कि मेरा बेटा मेरी ही नजरों से दूर हो गया, मेरा बेटा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और मैं पूरी तरह से अकेली हो गई। सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड में आप हाई वोल्टेज ड्रामे देखने वाले हैं जहां कहानी फ्लैशबैक में जाएगी और सालों पुरानी बातें याद करके मंजरी और पापा मनीष दोनों की ही आंखें भर जाएंगी। अब कहानी में यहां से कौन सा नया मोड़ आता है आगे आने वाले ट्रैक में देखना होगा।